है। जी हां uh, वो लिखित है और किसी को चाहिए तो अवेलेबल है साहब की ओर से कुछ भी रखना एक, है तो जी आपको कुछ पूछ जी जी एकदम है ना इसका पूरा अभी ही हम लोग अभी तक तो हम लोग प्रयोग में ही लगे हुए थे तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाए थे क्योंकि उस काम को ही हमको करने में बहुत मतलब एक टीचर का जो आचरण होता है है ना कि धीरता वीरता उदारता कि बच्चा हजार बार भी पूछे तो आपको डांटना नहीं है तो उसके लिए हमारे को बहुत अपने आप को तैयार करना पड़ा लेकिन अभी कोरोना काल के समय एक बुक हम लोग लिखे हैं जिसमें नर्सरी से लेके पांचवी पाँचवीं तक हम बच्चों के अंदर प्रवृत्ति परिमार्जन कैसे करें है ना और उसको कैसे हम सार्थक संवाद करें उस पर एक पूरा बुक भी लिखा हुआ है है ना और पूरा प्रवृत्ति परिमार्जन का पाठ्यक्रम भी बना हुआ है तो अगर उसकी जिसको भी आवश्यकता होगी तो पारस भी और यहाँ पर आत्मी यूनिवर्सिटी में है ना और उसके लिए वर्कशॉप भी निःशुल्क वर्कशॉप भी लगते हैं है ना रायपुर में भी लगते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ भी आप लोग कुछ शुरू कर ही रहे हैं तो आप लोग कब आप सबको मैं आमंत्रित भी करती हूँ कभी उस तरफ आओ तो रायपुर अभिभावक विद्यालय में तो वर्कशॉप हम लोग लगाते रहते हैं कोई भी वहाँ सीखना समझना चाहे तो है ना और उसका पूरा पाठ्यक्रम भी है तो यहाँ भी उसके वर्कशॉप होते रहते हैं है ना तो हम मिल के कुछ अच्छा नई पीढ़ी के लिए कर सकते हैं ठीक है ना क्योंकि ये तो हर बच्चे के लिए है तो ठीक है जी भैया और कोई क्वेश्चन या शेयरिंग जो दीदी ने शेयर किया उसके ऊपर uh, मेरा नाम डॉक्टर दर्शना मिठलानी है मैं यहाँ आत्मिया यूनिवर्सिटी से 2008 टू तो 2012 जुड़ी हुई थी uh, मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन थी मेरी एजुकेशन जर्नी जो रही है उसके उसको लेके और उसके बाद जब मैं 2008 के बाद आई गॉट एसोसिएटेड विद एजुकेशन एक बहुत प्यारी बात मुझे सीखने को मिली थी 2012 में व्हेन आई वाज वर्किंग विद सम अदर इंस्टीट्यूट वहाँ के जो ट्रस्टी थे उनको ये देख के कुछ लगा था और उन्होंने एक छोटी सी बुक मेरे को दी थी और वो बुक कभी मेरे लिए इट्स लाइक बाइबल फॉर सर्विसेज दैट आई गिव इन एजुकेशन तो वो एक चीज़ मैं सिर्फ सामने रखना चाहती थी उन्होंने आ, एक टीचर के कर्तव्य को माँ से जोड़ा था हम सब जोड़ते हैं उसको पर उसको देखने का पूरा एक नज़रिया अलग दिया था तो वो शायद सबके काम आए इसलिए वो मैं शेयर करना चाहती हूँ तो जैसे नौ महीने के समय में जैसे माता एक बच्चे को अपने गर्भ में स्थापित करती है उससे पहले अगर वो ये सोचा हुआ एक डिसीजन होता है दो होता है ना टीचर बाय चॉइस एंड टीचर बाय चांस सो व्हेन इट इज़ टीचर बाय चॉइस यू आर प्रिपेयरिंग योर सेम वे एज अ मदर इफ़ इट इज़ बाई चॉइस यू आर प्रिपेयरिंग योर बॉडी योर माइंड टू कंसीव दैट चाइल्ड ठीक है तो वो बहुत कॉन्शियस होती है कि वो कैसे उठ रही है कैसे बैठ रही है क्या कर रही है क्या खा रही है कैसे सो रही है और कितनी सारी चीज़ों को वो खुद में बदलती है क्योंकि उसको ये देना है अपने बच्चों बच्चे को जो अभी जन्मा भी नहीं है कितने सारे सपने उम्मीदें और जब वो जन्म लेता है तब ऑल गुड प्रोमिस के ये करूँगी वो करूँगी तो एक नौ महीने की जर्नी जब एक माता को इतना कॉन्शियस बना देती है You know, तो बच्चे स्कूल्स के या कॉलेज के भी हमारे पास नौ महीने के लिए ही होते हैं वेकेशंस का पीरियड आप कट कर दो तो दे आर विद फॉर मंथ्स सो इफ अ सिंगल चाइल्ड कैन मेक यू सो कॉन्शियस यू नो हमारी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक दम, एक बहुत बड़ी है। एक बस ये शेयर करना था एकदम एक थैंक यू ठीक बात है इससे अच्छा पद नहीं है, है ना शिक्षक गरिमा में पद है और हम सब इस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे तो बच्चे आपके प्रति थैंकफुल ना हो ऐसा हो नहीं सकता चाहे वो कितनी भी ऊंची पोस्ट में चले जाएंगे और यही शायद हमारा फीडबैक होगा उनका उनकी तरफ से मिलने वाला प्रतिफल यही है तो फिर जब एक शिक्षक आराम की स्थिति में आएगा तो हर तरफ से सिर्फ थैंकफुलनेस मिलेगा तो उस गरिमा को पा जाए हम है ना उसी के लिए एक छोटा सा प्रयास है ये बढ़िया एक जाए। जी कैसे हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं हैं <laughs> क्यों हो रहे पे जाना पड़ेगा ना बच्चे क्यों हाइपर हो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। Uh, so, सुबह अगर हम बिस्किट्स uh, देते हैं बसों बच्चों को खाने में इट इंक्रीज दिनर्जी लेवल सो बिकॉज दिस इज द ट्रेंड नाउ के पेरेंट्स बिस्किट तो खिला देते हैं जंक फूड देते हैं जंक फूड इज नॉट बैड बट हाउ टू इनकल्केट गुड हेल्दी हैबिट्स इन अ चाइल्ड दैट विल ऑटोमेटिकली काम देम डाउन और हाइपर uh, सब होते हैं ऑल चिल्ड्रेन आर एक्टिव बट हाव यू लोक इन टू दैम के वॉट डिस्ट्रक डिस्ट्रक्टिव हाइपर बिहेवियर है देन वी पुट अ चेक पॉइंट एनर्जी लेवल अगर सुबह से थोड़ा वॉर्म अप करा दो आई थिंक योर प्रॉब्लम विल गेट रिजोल्व इमीडिएटली हाइपर तो सब होते हैं बट हाइपर डिस्ट्रक्टिव हाइपर अगर बच्चा होता है देन वी पुट अ चेक पॉइंट ऑन दैट एनर्जी लेवल तो रेज होती ही है बच्चों में तो अगर एनर्जी लेवल सुबह से थोड़ी जंपिंग करा दो एक्टिविटी करा दो then they automatically calm down. This is tried and, and tested, so I'm sharing. ठीक बात है बढ़िया है ना तो ये तो है ही एक तो ये बात जो दीदी बता रही है और ऊपर से बच्चे क्यों हो रहे हैं वातावरण देखो ना चारों तरफ हम सब भी तो हाइपर ही हो रखे हैं हाइपर होने का मतलब है कि हमारे पास अभी सॉल्यूशन नहीं होने से हम जो बोलते हैं ना कि अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है मतलब अभी हमको लगता है कि ये हाई पर रखे पर वो हमारे से कुछ चाह रहे हैं वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं ना तो वो अगर हम पूरा कर पाएंगे तो उनकी एनर्जी लेवल संतुलित हो जाएगी सामान्य स्वभाव गति हर कोई स्वभाव गति में ही रहना चाहता है है ना लेकिन जब तक वो उतना उसको वो मिलेगा नहीं बच्चों तो लेना चाह रहे हैं ना तो अगर टीचर और पेरेंट्स स्वभाव गति में रहेंगे तो हाइपर बच्चा भी स्वभाव गति में आ जाएगा मतलब उसकी उसको पचाने की ताकत अगर हमारे पास है ना कि रिएक्ट करने की हम रिएक्ट करते हैं ना एक बच्चा गुस्सा करता है तो हम रिएक्ट करते हैं तो उसकी वो चीज को हम पचा नहीं पा रहे हैं ना आज आप देखो कि अपन सूर्य और धरती के बीच का जो कॉम्बिनेशन है संबंध है ये भी एक सूर्य की ताप को धरती पचा रही है तो हम सम जी पा रहे हैं अगर वो धरती नहीं पचाती तो हम नहीं जी पाते है ना तो मैं उसको पचा पाऊँ और उसको शांत कर पाऊँ है ना तो ये अभी हो नहीं पा रहा है अगर बच्चा हाइपर है तो थोड़ी देर बाद हम भी हाइपर हो जाते हैं तो वो तो बच्चा है ना वो गलती कर सकता है वो गलती करने के अधिकार के साथ है पर अभिभावक और अध्यापक किसको बोलते हैं हम अभिभावक और अध्यापक को गलती करने का अधिकार नहीं है तो गुस्सा करना एक बच्चे की ना समझी है लेकिन वो हम करते हैं तो गलती है बच्चा करता है तो गलती नहीं है वो उसकी ना समझी है समझदार होएगा तो नहीं करेगा लेकिन हम तो घोषणा किए हैं भाई कि हम टीचर हैं तो हमको गलती करने का अधिकार नहीं है अगर हम भी गुस्से में आ जाते हैं हम भी रिएक्ट करते हैं बच्चा कहाँ जाएगा है ना तो मेरे को लगता है कि हमारे अंदर वो सॉल्यूशन हो कि बच्चे अगर हाइपर भी हो, तो भी मैं उसके साथ सही जी पाऊँ तो वो सामान्य गति में आ जाएगा है ना? और अभी उसी की ज़रूरत है और खान पान का तो है ही जैसा दीदी बोल रहे हैं तो सीधी सी बात है मानव समझदार होगा तो सिर्फ मानव मानव के साथ नहीं होगा फिर बाकी चीजों को भी वो ठीक कर लेगा अभी नहीं है, तो खाने पीने में भी गड़बड़ हो रहा है दिनचर्या भी गड़बड़ है सब कुछ है। व्यवहार, व्यवहार अगर मिल जाएगा बच्चे को तो उनकी वो वाली चीजें सामान्य हो जाएगी काम किया है जी उसका सबसे बड़ा रीजन मोबाइल फोन है ये तो उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आता है और बच्चे वो सब देख रहे देखते रहते हैं तो उसका जो माइंड है उसका विश्लेषण नहीं कर पाते और रात को सोते नहीं हैं उसको देर तक नींद नहीं आती ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए अभी और सुबह उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो सुबह वो हाइपर ही रहते तो हमने एक थोड़ा प्रयोग किया कि वो फ़ोन उसके हाथ में आता कहाँ से तो मम्मी के पास से ही आता है पापा के पास से नहीं आता तो मम्मी को फ़ोन छुड़वाया अस्सी मम्मियों ने ऐसा फ़ोन छोड़ दिया उसको रिटर्न कर दिया उसके पापा को तो बच्चे में थोड़ा सुधार देखने को मिला कि वो उसकी हाइपरनेस थोड़ी कम हुई फूड कंटेंट वो सब तो साथ में है ही और पूरी चैनल है हाइपरनेस की पापा पापा थ्रू मम्मी मम्मी थ्रू बच्चे और बच्चे उसको पहुंच नहीं सकते बच्चे उसको कह नहीं सकते इसलिए वो सहन करते सब वर वरना वो सब पासों नहीं करते हैं नीचे नीचे पासों नहीं होता है तो ऑल ओवर जो कोरोना काल से हुआ तो हमने ये प्रयोग किया कि एक भी कंटेंट मोबाइल में नहीं भेजना है उसको मौखिक की कहना है तभी मोबाइल की आवश्यकता है वो वो की पेड़ ऐसा मोबाइल सब मम्मियों को बोला है कि आप ऐसा फ़ोन रखो तो अभी अभी हमने हमारे स्कूल में सर्वे किया कि दो तीन घंटे तक सरेराश दर बच्चा मोबाइल देख रहा है और वो कंटेंट क्या देख रहा है उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है और ये यूट्यूब में नहीं सब ऐसा कंटेंट आता है कि अगर आप सर्च भी ना करो ना तो भी आपके सामने आ जाता है तो बहुत सारा वो इसमें से सीख रहा है गुस्सा करना भी उसमें ही सीख रहा है क्योंकि वो मारद वाले सब वीडियोस और रील्स सब देखते रहते हैं तो ठीक ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है।, है ठीक बात है लेकिन फिर भी एक बात है भैया टेक्नोलॉजी के समय में है बच्चे उससे बच नहीं पाएंगे है ना मतलब बच नहीं पाएंगे आप जो बोल बोले वो सही है बात लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर ही लेंगे जितना हम उनको दबाएंगे वो उतना और कहीं से उसको है ना तो ये तो ठीक बात है कि भाई कुछ चीज़ों में जैसे आप पढ़ा रहे हो तो मोबाइल बच्चे को ये दिखना चाहिए कि मोबाइल का क्या उपयोग करना है और कब करना है कितना करना है ये तो अभ्यास ज़रूरी है लेकिन अगर हम बच्चे को समझ विवेक दे देंगे है ना अगर हम उनको रिश्तों में जीना सिखा देंगे ना तो वो जो खुशी उसको मिलेगी तो उसको इतना चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी चूंकि वो किसी के साथ खुश नहीं हो पा रहा है तो वो मोबाइल में खुश हो रहा है लेकिन आदमी आदमी के साथ जीना अगर उसको आ जाएगा ना तो वो उनके साथ ही रहना पसंद करेगा तो उस पर अगर काम करेंगे अपन तो और परमानेंट सॉल्यूशन होगा मैं सर की बात को कनेक्ट करके वो बोल रही हूँ कि ये जो मोबाइल वाली बात है इसके लिए पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं पेरेंट्स अपने सिर्फ अपने आप को फ्री रखने के लिए बच्चों को मोबाइल देते हैं रेस्टोरेंट में आप होटल में जाइए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगे और अपना वो भी हाँ। पकड़े हैं और बच्चे को पकड़ा दिया बच्चे को फिर खाना खिला रहे तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स बहुत जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि फिर बच्चे फिर बोलते हैं, ये तो मोबाइल ही पकड़े रहता है अरे तो पकड़ाया तो आपने ही था वो तो आपने क्यों नहीं उसके हाथ में बुक दी छोटा बच्चा जो भी होता है ना वो हर चीज़ अपनी मम्मी के हाथ से खींचता है कुछ भी हो साड़ी का पल्ला होगा तो खींचेगा चुन्नी होगी तो तो अगर मम्मी के हाथ में बुक्स होंगी या वो ड्राइंग बुक हो या कोई और बुक हो तो वो खींचेगा अगर वो बुक्स उसके लेवल की हो सकती हैं कि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो ड्राइंग बुक होगी या कोई पिक्चर बुक होगी लेकिन आ, तो वो 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 चीज़ लेगा ना तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है ठीक है, शिक्षक को भी जरूरत है लेकिन पेरेंट्स भी सामने बहुत सपोर्टिव होने चाहिए तो हमारा भविष्य बच्चों का और हमारे भारत का बन सकता है थैंक तो, यू बहुत बढ़िया है ना मतलब कुल अभिभावक और अध्यापक को एक जगह पे आना होगा है ना और ये तो ठीक बात है कि जो अभ्यास हमको लगता है गलत है उसका अभ्यास खुद को ही करना होगा बढ़िया है ना खूब अच्छा बढ़िया धन्यवाद कि एक तो पहले है वो आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे हैं पूरे सेशन में वो लिखना है देन व्हाट थिंग्स यू हैव फाउंड फ्रॉम दिस सेशन यू वुड लाइक टू इंप्लीमेंट इन योर इंस्टीट्यूट ऐसे मुद्दे अगर मिल जाए सबके और इसको ही अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके सेवन डेज जीवन विद्या वर्कशॉप रहते हैं एक वर्कशॉप वेरी सुन अक्टूबर में यहाँ पे आत्मीय विश्वविद्यालय में भी अरेंज होने जा रहा है तो इसकी सूचना हमारा द्वारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप निर्मित हुआ है अगर कोई उसमें छूट गया है जुड़ना तो हमारे स्टूडेंट्स वॉलेंटियर है उससे आप मिल लीजिए एक बार वहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप नंबर लिखवा दीजिए तो आप उसमें एक बार स्टूडेंट्स वॉलेंटियर जितने हैं वो खड़े हो जाए अपनी जगह पे इतने लोगों से आप कोई भी क्वेरी है तो आ, मिल सकते हैं शीतल दीदी है हमारे साथ उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी और एक क्वेश्चन है एनी वुड यू लाइक टू अरेंज ट्रेनिंग सेशन फॉर द टीचर्स दिस काइंड ऑफ डिटेल्ड ट्रेनिंग सेशन ये जो सेशन है वो तो एक इंट्रोडक्शन है फिर सहअस्तित्ववाद के आधारित अलग अलग सब्जेक्ट्स कैसे होगे उसका डिटेल सेशन रहता है और लास्ट में सजेशन हमारा ऐसा मानना है कि आपके सबके फीड फीडबैक है वो काफ़ी मूल्यवान है तो आप सभी आराम से अपने फीडबैक लिख के ही जाइए और इन्हीं स्टूडेंट्स वॉलेंटियर को आप दे सकते हैं और एक हाई टी चाय नाश्ते का बार प्रबंध किया है आप सभी से निवेदन है कि वो आप लेके ही जाए एट द एंड कुछ कुछ बातें मैं रख देता हूँ पूरे सत्र की दो से पांच मिनट ही लगेगा हम टाइम पे ही चल रहे हैं ना ठीक है तो एक तो धन्यवाद दीदी आपका जिस तरीके से सत्र आपने पूरा मैं ज्योति दीदी से भी निवेदन करूँगा कि एक आप भी एक बार सामने आ जाए ज्योति दीदी भी अभिभावक विद्यालय में ही नीता दीदी के साथ ही बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है आप कुछ अगर दो शब्द कहना चाहिए आपके कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे जो क्वेश्चन हुए उसके बारे में आप कुछ रखना चाहते हैं तो नमस्ते सभी को नमस्ते सभी को मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है पास, पास पास चाहिए मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है और मैं भी पिछले बारह वर्ष विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ और एक चीज़ बस मेरे को जो इसमें बहुत छुई कि मेरे को लगा कि हम जितने भी उठा पटक से हम इन सब चीज़ों को झेल लिए पर मेरे को लगता है कि ये इतनी सुंदर चीज़ है अगर हम खुद समझ के अगर बच्चे को ये चीज़ बीज रूप से देते हैं तो मेरे को लगता है वो उस बच्चे की खूबसूरती कोई अलग ही होगी मतलब जिन चीज़ों को हम झेलते झेलाते आज आगे निकले हैं या संबंधों में हम जहाँ भी फंसे हैं अगर ये चीज़ बच्चों में बीज रूप में जाती है तो कम से कम वो इतना झेलना झिलाना नहीं होगा मतलब बहुत ये देखने की बात है कि आज अगर कोई भी बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो वो खुद को समझेगा क्योंकि उसका जन्म एक परिवार में हुआ है तो उसको परिवार के साथ कैसे रहना है उसको समझेगा समाज से चीज़ें मेरे पास आ रही है उसको समझेगा और नेचर से जो मुझे मिल रहा है उसको समझेगा उसको जीना इन चार चीज़ों के साथ में है इस चार चीज़ों के साथ मुझे कैसे हारमनी के साथ जीना है तो वो बच्चा कभी किसी का शोषण नहीं करेगा आज की इस कंपटीशन की दुनिया में सब बच्चा यही सोचता है कि मुझे कैसे आगे निकलना है और उसके लिए वो क्या नहीं क्या करता है मतलब अपने आगे जाने के लिए वो कितने बच्चों को पीछे खींचता है मतलब ये कितना बड़ा शोषण है लेकिन अगर उसके अंदर ये मानसिकता तैयार हो जाएगी कि मेरे को साथ साथ चलना है साथ साथ चलने से ही हर व्यक्ति खुश होता है अकेले में तो कोई प्रयोजन ऐसे भी नहीं अब आपको अकेले रहना अच्छा लगता है ठीक है एक कमरे में आपको अकेले बिठा दिया गया या आप किसी कैंपस में अकेले भी हो कितनी देर खेलोगे कोई तो आपको साथ में चाहिए ना तो चाहे परिवार में आज हम संबंध जितने टूटते देख रहे हैं बच्चे को पता ही नहीं कि संबंध मुझे क्यों चाहिए तो हर रिश्ता मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं है कि बिना रिश्ते के आप जी जाएंगे आप जी नहीं सकते ऐसा होता है ना परिवार में कि एक भी संबंध छूटा सुखा तार टूटा है ना संबंध चाहिए ही चाहिए आपको अच्छा नहीं लगता है अगर हमारे परिवार के बीच में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो ख़राब ही लगता है कि एक भारीपन लगता है और वहीं पर अगर हमारी हारमोनी होती है बहुत रिलैक्स फील करते हैं हम तो ये इतनी सुंदर बात है मतलब मैं तो सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि चाहे वो आ, शिक्षा में है इसीलिए नहीं अगर हम किसी परिवार में भी रह रहे हैं जहाँ भी रह रहे हैं हर एक रिश्ता मेरे लिए जीने का अवसर है चाहे वो रासलता व्यक्ति भी क्यों ना हो आपके लिए एक अवसर है कि कैसे आप उसके साथ जी जाओ है ना तो ये इतनी सुंदर चीज़ है एक्चुअली क्या हो गया ना हमको इतना टेढ़ा चलने की आदत हो गई कि सीधा रास्ता हमको हार्ड लगता है हमको लगता है बाप रे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इतनी मेहनत नहीं है ये इतनी सुंदर चीज़ है कि आपको खुश कर देगी क्योंकि खुश रहना ही इम्पॉर्टेंट है आप अगर आप खुश हो तो खुशियाँ ही दोगे अब दुखी हो कंफ्यूज़ हो तो वही ही सारा दिन है ना तो खुश रहना इम्पोटेंट है, है खुश रह के ही चीज़ें की जा सकती है है ना तो मेरे खुश रहने के लिए मेरा समझना जरूरी है क्योंकि अगर समझदार मैं हूँ तो जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है अब मैं पूरे टाइम लोगों को ब्लेम करते रहूँ तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो तो आप सुधार के देख लो इतनी जीवन यात्रा हमारी ऐसे ही चलेगी कि वो ठीक नहीं हुआ वो ठीक नहीं, नहीं होगा भाई वो उसकी मर्जी वो कैसे ठीक हो सकता है आप ठीक हो सकते हो हम किसी को ठीक नहीं कर सकते खुद को ठीक कर सकते इसलिए काम अपने ऊपर ही करने की ज़रूरत है कम से कम उसका भला जब होगा तब हो जाएगा आपका भला तो हो जाएगा ना अपना भला तो हो जाएगा कि हम तो कम से कम खुश रह पाएंगे ना क्योंकि किसी एक की गलती पूरे टाइम हमको टीच करती रहती है कि वो ऐसे बोला ऐसे बोला आप अपनी खुशी दूसरों पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं है ना अगर आप समझदार हैं तो खुद को ही समझने की जरूरत है और फिर आप देखना कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है है ना थैंक यू बढ़िया दीदी ये आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस ही है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम काम कर पा रहे हैं हमारी एक अभिभावक है इन्होंने नर्सरी में अपने बच्चे को 2011 में डाला था और पाँच साल फिर वो अब दूसरे स्कूल में है लेकिन वो हमारे पास ही हैं <laughs> ऐसे अभिभावकों से अभिभावक विद्यालय सजा हुआ है बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि इस काम में जितने भी भैया दीदी लोग जुड़े हुए हैं चाहे वो स्कूली शिक्षा में अभिभावक विद्यालय में लगे हुए हैं या फिर जीवन विद्या के शिविर चल रहे हैं वो पूरी तरह अपनी खुशहाली से लगे हुए है इसका कोई चार्ज नहीं है चाहे वो आप यहाँ पे जीवन विद्या शिविर करें या फिर दुनिया भर में कहीं पे भी आप जीवन विद्या शिविर के आयोजन में रहते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है दूसरा दीदी ने आज है वो पूरे सत्र में सहयोग विशेषज्ञता आज्ञा पालन संवाद सहकारिता और एक संवाद का जो बेटा जी बेटी जी और अध्यापिका जी करके जो संबोधन है उसका भी महत्व दिखाया एक अच्छी बात बोली पैसे से चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती ऐसा मैसेज बच्चों में चला जाए और दीदी मुझे लगा कि आप काफ़ी हम्बल रही कि सब लोगों को बोला कि आप लोग काफ़ी कर रहे हो लेकिन हमने तो अभिभावक विद्यालय जाके उनकी मेहनत को देखा है जिस तरीके से पूरी पंद्रह बीस लोगों की टीम लगी हुई है बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के वो काफ़ी सैल्यूट करने के लायक है पूरा पाठ्यक्रम बाबा जी का है वो अवेलेबल है आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे आप हम सभी लोगों से अभी सत्र पूरा होने के बाद दीदी से ज्योति दीदी से या शीतल दीदी से इसके बारे में कोई भी वार्तालाप करना चाहे तो ड्यूरिंग अवर नाश्ता टाइम वी कैन चिटचैट विथ ईच अदर और ये पूरा जो सत्र है वो सक्सेसफुली अरेंज हो पाया उसके लिए कई सारे लोग हैं वो एज अ पिलर्स खड़े रहे उसका मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ सबसे पहले तो स्वामी जी ने ये पूरी परिकल्पना है वो अपने अंदर बिठाई और सिर्फ हमारी स्कूल नहीं बल्कि राजकोट की सभी स्कूलों तक ये एक कंसेप्ट के रूप में पहुँच पाए और फिर अच्छे अभिभावक या फिर स्कूल ट्रस्टेड है उसको ये आगे लेके जाएंगे ही इसका उसका विश्वास तो स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता सी एम एस सेल के सभी टीचर्स वो अभी एक दूसरे काम में लगे हुए हैं तो उसके लिए भी उनको ने उन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट्स की शीतल दीदी और खास करके जिग्नेश भैया जिग्नेश भैया एक सूत्र के रूप में रहे जिग्नेश राठौड़ जी कि सभी अच्छे लोगों को कैसे यहाँ पे हम बुला पाए और कई सारे लोग अभी बचे हुए हैं उनके लिए भी हम फिर से ऐसा शासन करेंगे तो आप जितने भी लोग आए उसके लिए काफ़ी 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 बहुत ही धन्यवाद सभी लोग यहाँ से नाश्ता करके चाय पी के ही जाए ऐसी अनुरोध है थैंक यू थैंक यू वेरी मच यहाँ से आप बाहर जाएंगे तो नाश्ते का आपको